ड्रामा साज खलीलुर्रहमान कमर ने एक बार फिर कहा है कि वो खवातीन से रात को 3 बजे भी मिलने जाया करें, इनसे किसी वक्त भी मिलना इनका हक है और अपना फैसला है, जबकि खवातीन इनसे मोहब्बत करती हैं। खलीलुर्रहमान कमर ने अपने अखबार तशद्दुद के वाक़े के बाद मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर दबंग अंदाज में कहा कि मुल्क की खवातीन इनकी इज्जत और एहतराम करती हैं और खवातीन इनसे मोहब्बत करती हैं। अगवा के वाक़े के बाद इन्होंने पुलिस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान सहाफ़ियों ने इनसे सख्त सवाल भी किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खलीलुर्रहमान कमर ने एतराफ़ किया कि जिस खातून ने इन्हें रात को 4:30 बजे मुलाकात के लिए बुलाया, उनसे वो गुज़श्ता 15 दिन से राब्ते में थे। जब इनसे पूछा गया कि कहीं इन्होंने शोहरत के लिए झूठा ड्रामा रचा कर खुद को अगवा तो नहीं करवाया, इस पर इन्होंने जवाब दिया कि इन्हें झूठे ड्रामे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें शोहरत की भी कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने टीवी प्रोग्राम में समाजी रहनुमा मारवी सरवत के खिलाफ सख्त और नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने के सवाल पर कहा कि वो अलग मामला है, उसे बीच में ना लाए। जब सहाफ़ी ने इनसे कहा कि वो हमेशा खवातीन के खिलाफ बातें करते हैं, तो इस पर खलीलुर्रहमान कमर ने दावा किया कि खवातीन इनका बहुत एहतराम करती हैं और वो इनसे मोहब्बत करती हैं। सहाफ़ी ने इनसे कहा कि खवातीन की ये कैसी मोहब्बत है कि वो इन्हें अगवा करके इन पर तशद्दुद करवा रही हैं, तो इस पर ड्रामा साज ने कहा ये वो खवातीन नहीं हैं जो इनसे अकीदत रखती हैं। इस दौरान खलीलुर्रहमान कमर ने वाज़े किया कि इन्हें हर वक्त हर जगह जाने का हक हासिल है, वो रात को 3 बजे भी किसी से मिलने जा सकते हैं। ख्याल रहे कि कुछ दिन कबल ही इन्हें खातून की सरबराही में एक गैंग ने ड्रामा बनाने के बहाने बुलाने के बाद अगवा करके मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया था और इनसे नकदी रकम और सामान भी लूट लिया था। खलीलुर्रहमान कमर को अगवा किए जाने के बाद पुलिस ने मुकदमा दायर करते हुए इनके अगवा में मुलव्वस मरकजी मुलजिमा खातून आमना उरूद समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। बाद अज़ां ड्रामा साज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजीब मंतक पेश की थी कि वो बीमार हैं और डॉक्टर्स ने इन्हें दिन में सफ़र करने से रोका हुआ है, इसलिए वो रात को 4 बजे खातून से मिलने गए थे।